आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। कभी कभी आप बिस्तर पर सीधे लेटते हैं, यानी आपका मुंह ऊपर होता है, और कभी कभी आप मुंह नीचे करके औंधे भी लेटते हैं, अर्थात आपका मुंह नीचे होता है, पीठ ऊपर होती है, तब अंग्रेजी क्या बनेगी? औंधे मुंह गिरना, टू फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स। फेस माने चेहरा, डाउनवर्ड्स माने नीचे, फॉल माने गिरना। तो इस तरीके से बहुत सरल इसकी अंग्रेजी होती है। वन डे यू विल फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स, एक दिन तुम औंधे मुंह गिरोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यू ही लगाएं। ही विल फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स, शी विल फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स, दे विल फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स, इस तरीके से कहा जाता है। एक दिन वन डे लगा दें शुरू में, यदि आपको कहना है एक दिन वो औंधे मुंह गिरेगा, वन डे ही विल फॉल विद फेस डाउनवर्ड्स, इस तरीके से बोलेंगे। एक कंसीटेड पर्सन, एक घमंडी आदमी, एटू आदमी, ऑलवेज फॉल्स विद फेस डाउनवर्ड्स, अर्थात हमेशा एक एटू आदमी, घमंडी आदमी मुंह के बल गिरता है, अर्थात औंधे मुंह गिरता है। He fell with face downwards. वो मुंह के बल गिरा, अर्थात औंधे मुंह गिरा। She has fallen with face downwards, अर्थात वह औंधे मुंह गिर गई है। He has fallen with face downwards. इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो कैसे भी हम बोल सकते हैं, इसका यूज करके हम कैसे भी बना सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भी कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं। खूब सेंटेंस बनाइए। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।